हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी डीबी शेड्यूल सबको चौंका दिया। नॉर्दर्न रेलवे न्यू दिल्ली ने कैसे फोर्थ डीबी और सिक्स डीबी एक साथ आ गया है, लेकिन ये नहीं समझिएगा कि एक ही नोटिफिकेशन का नोटिफिकेशन अलग अलग है। अगर सिक्स डीबी की बात करेंगे तो 2/18 की, और फोर्थ डीबी करेंगे तो 1/19 की। लेकिन डिफरेंस यही है कि अभी भी कैंडिडेट जो 2019 वाले हैं वो बेनिफिट हैं, क्योंकि 64 कटअप अगर पिछली बार गया था एसी का तो 18 में 67 गया था, यानी 19 के मुकाबले 18 का कटअप अभी भी ज़्यादा है। ओबीसी के कटअप पिछली बार दो अभी तक गया है सिक्स डीबी तक 72, तो अब इस बार गया है 70 पॉइंट कुछ। अभी नया डीबी की बात हो रही है। और ईडब्ल्यूएस का तो पिछली बार वहाँ वैकेंसी नहीं था, लेकिन एसटी की डीबी पिछली बार इस बार 58 चला गया है, तो 2018 के सिक्स डीबी होने के बाद भी 60 था, यानी 2018 वाले कैंडिडेट का ज़्यादा नंबर आया था। और उसका मतलब तो सिक्स साफ साफ दिख जाता है कि 2018 में वैकेंसी कम थी और 2019 में वैकेंसी ज़्यादा था, तो दोनों का अंतर अभी भी दिख रहा है। यूआर का इस बार डीबी में नहीं आया है, फोर्थ डीबी में नए वाले में, क्योंकि यूआर के कैंडिडेट को एक डीबी में पूरा कॉल कर लिया था एसटी के साथ। हो सकता है और सीटें खाली होगा तो अलग करेगा, और यहाँ पे आपको पता ही है जिसका नंबर ज़्यादा उसका सिलेक्शन पहले, ऐसा इन्होंने पैटर्न बनाया था। तो चलिए कोई बात नहीं, आप आगे बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले वेबसाइट में देखेंगे। वेबसाइट पे न्यू दिल्ली नॉर्दर्न रेलवे का है, 2 डीबी आया है 30/7 को, शाम को अपडेट हुआ रात में। तो 4 डीबी आपका 1/19 के लिए आया है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपका 30/7 को 6 डीबी 2018 वाली वैकेंसी का आया हुआ है, कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा। अगर दोनों में आपने एग्ज़ाम दिया है तो हो सकता है दोनों में आपका डीबी आया हो। बहुत सारे कैंडिडेट हो सकते हैं, बहुत सारे नहीं, कुछ कैंडिडेट हो सकते हैं ऐसा जो एक कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो चलिए पहले देखते हैं 2018 में क्या हुआ। तो 2018 वाला डीबी वाला अपन ओपन करते हैं, तो यहाँ पे आपको डीबी का नोटिस साफ साफ देखिएगा क्लियर लिखा हुआ है, लेकिन ये 6 डीबी है, तो इस बार भी 6 डीबी तक आनी चाहिए। अभी 4 डीबी तक चल रहा है, कटअप भी पिछली बार से कम हो गया है, लेकिन इस बार के डीबी में 49 कैंडिडेट जो भी नन पीडब्ल्यूडी के हैं उनकी कंडीशन लिखा हुआ है। यूआर के 36 है, एसी के 4 है, एसटी के 3 है, ओबीसी के 3 है, और सबकी राउंड का कटअप इन्होंने दे दिया है कि अभी ये कटअप यूआर के लिए 76.17, एसटी के लिए 60.48, एसी के लिए 67.12 और ओबीसी के लिए 72.96 है। ईडब्ल्यूएस 2018 में नहीं था तो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सारा डॉक्यूमेंट तैयार रखने के लिए बोला गया है, और कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट 3-4 दिन रुकने के लिए भी तैयारी करके जाना है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट 21/8 से लेकर 22/8 2 दिन में होगा। दिल्ली के लाजपत नगर वाला शायद होगा, एड्रेस में आपको ये दिया होगा सारा चीज़ें, मेडिकल हॉस्पिटल वगैरह आपको रुकने के लिए जानी चाहिए, सारी तैयारी के साथ जानी चाहिए, ये कहने का मतलब है। अब आता है आपका अगला वाला जो आता है आरआरसी लेवल 1 का। तो लेवल 1 का यहाँ पे आपका 4 डीबी है, 4 डीबी में टोटल 415 लोगों को बिग अपडेट है और बहुत बड़ा डीबी शेड्यूल है, जिसमें यूआर का 0 है, एसी का 74 है, एसटी के लिए 36 है, ओबीसी का 272 कैंडिडेट है, ईडब्ल्यूएस के 33 है, और पीडब्ल्यूडी वगैरह का कोई कैंडिडेट नहीं है, यानी पूरी तरह से नन पीडब्ल्यूडी का ये डीबी है। इस डीबी का भी डॉक्यूमेंट शेड्यूल 2 ही दिन वही है, 21/8 और 22/8 को। तो आप अगर जाए दिल्ली में और दिल्ली लखनऊ मुरादाबाद या अम्बाला में, तो बता दें अपने पास एक स्टिकर लेके जाए कि मैं 2/18 वाला हूँ, और कुछ कहे 1/2019 वाला हूँ, दोनों का एक ही जगह में एक ही दिन में। हो सकता है कैमरा बदल जाए, लेकिन आपको बाहर कॉमन एरिया में तो मिलने के लिए मिलेगा कि दोनों वाले डीबी एक साथ है। और वो कैंडिडेट क्या करेंगे जो दोनों का सेम डे डीबी है 2/18 में 2019 में, तो एक बार इधर जाए एक बार उधर जाए, अपने ड्रेस चेंज करके जाए, कोई बात नहीं, दोनों में डीबी आपका नाम है तो दोनों में हो सकता है, फाइनल बताएंगे तो आपका सिलेक्शन एक ही में होगा, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर कटअप का जो बात है, एसटी का ये आपका 58.02 है, एसी का 64.89 है, ओबीसी का 70.07 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 65.09 है। अब लोगों का सवाल यही उठता है कि 5th डीबी आएगा क्या नया में, तो देखिए आना तो चाहिए, अभी भी जैसा माहौल बन रहा है कुछ ना कुछ डीबी चलते रहेगा, क्योंकि बहुत नन ज्वाइनिंग है वगैरह है। यही जब डीबी आया था तो बोला गया था कि 1300 के आसपास सीटें खाली है,
वो जो हमने यू आर का इतना दिया है, एस सी ओ बी सी के बाद में सेकंड डी बी में आएगा, सेकंड डी बी के थर्ड डी बी में आएगा, थर्ड डी बी भी ठीक ठाक आ गया, उसके बाद आपका फोर्थ डी बी भी आ गया और अभी भी सीटें खाली है, क्योंकि अभी ऐसा नहीं है कि इन्होंने 10,000 वैकेंसी को इतना आराम से या जितनी भी वैकेंसी है इतना आराम से कोई भी आर आर सी भर सकता है, क्योंकि चक्कर है अभी यहाँ पर बुलाए हैं 415 को, तो 415 में 30 से लेके 60-70 लोग तो अब्सेंट ही हो जाएंगे, 50-60-70-80 लोग तो आपका मेडिकल का भी कुछ ना कुछ इशू होता है, फिर कुछ ज्वाइनिंग भी नहीं करेंगे, कुछ ज्वाइनिंग करने के बाद भी 1 ईयर तक छोड़ देते हैं, तो ये वैकेंसी कम आती रहती है डीबी में, लेकिन फिर आएगी, फिर डीबी में भी आएगी, और कैंडिडेट का जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको अभी वेट करना चाहिए कि अभी भी मेरा चांस बना हुआ है। तो चलिए, एक अच्छा चीज़ मिला है न्यू दिल्ली में जो सबसे अलग, और सबसे अलग ये कि एक कैंडिडेट एक ही आरआरसी में दो बार भी डीबी कराते हुए मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।